छत्तीसगढ़ से आ रही बड़ी खबर की और आज हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक है जिसमें सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चंडीगढ़ हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होनी है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडे रखे जाएंगे। जूनियर सिविल जज के खाली पदों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में पराली प्रबंधन पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि आज दरअसल कई पदों पर कई जो है तमाम जो खाली पद चल रहे थे इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, इस पर चर्चा की जाएगी। पराली जलाने को लेकर जो शिकायतें आ रही थी इस पर चर्चा होगी। हरियाणा मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक जिसमें सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और चंडीगढ़ हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक का आयोजन होगा। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडे रखे जाने हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ईशा ठाकुर मेरे साथ लाइव जुड़ गए। ईशा, जिस तरीके से 27 एजेंडों पर आज कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होनी है, क्या लगता है कौन कौन से वो अहम मुद्दे होने वाले हैं आज? जी, आज दोपहर 3 बजे ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा सचिवालय में ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो माना जा रहा है कि कहीं अहम मुद्दों कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा की जाएगी। सिविल जज जूनियर डिवीज़न की भर्ती संबंधी जो प्रस्ताव है उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही सरकारी विभागों के जो सेवा संबंधी जो नियम है उसमें किस तरीके से संशोधन किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो कर्मचारी है उसके सेवा में किस तरीके से विस्तार किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो सरकारी विभागों की तरफ से जो ज़मीन खरीदी जाती है उसके क्या मार्केट रेट होंगे उसे किस तरीके से फिक्स किया जाए इस प्रस्ताव पर भी आज चर्चा की जा सकती है। और इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम बात करें हरियाणा रोडवेज की तो इस संबंध में भी हरियाणा सरकार आज हरियाणा की बसों में न्यूनतम किराया 5 रुपये कर सकती है, इस संबंध में भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो अहम आज का मुद्दा रहने वाला है वो माना जा रहा है कि पराली के संबंध में भी आज चर्चा की जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की ये वो दो सूबे हैं जहाँ पर बड़ी स्तर पर धान की जो खेती होती है। इसके अलावा जिस तरीके से जो अवशेष बच जाता है उसे जिस तरीके से जलाया जाता है और उसका सारा जो धुआं है पंजाब हरियाणा का वो दिल्ली पहुंचता है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो एक बार फिर से दिल्ली की आबोहवा जिस तरीके से ख़राब होती जा रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब के किसानों को भी ठहराया जाता है। ऐसे में किस तरीके से किसानों को जागरूक किया जाए कि पराली कम से कम जलाया जाए और किसानों को इसके लिए जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें किस तरीके से लाभान्वित किया जाए, उन्हें किस तरीके से सरकार सहयोग करेगी, तो ऐसे में इस पर आज चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कुल जो एजेंडे अभी तक जो एजेंडे बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक 27 एजेंडे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। हर साल हमें पराली भी अहम होता है, प्रबंधन को लेकर तमाम जो है सवाल जवाब अक्सर होते हैं, मीटिंग की जाती है और निष्कर्ष भी निकलते हैं लेकिन धरातल पर उनका कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि इस बार भी पराली का जो मुद्दा एक बार फिर से जो है साफ तौर पर सामने आने लगा। ऐसे में क्या लगता है कि बैठक में पराली प्रबंधन पर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा इस बैठक के बाद, क्योंकि किसानों की अपनी बातें हैं सरकारों की अपनी बातें हैं? बिल्कुल, देखिए हर बार किसानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और किसानों के ऊपर मामले भी लगातार दर्ज किए जाते हैं। हालांकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त पंजाब की अपेक्षा कम पराली जलाई जा रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो माना जा रहा है कि और ज़्यादा पराली खेतों में जलाई जा सकती है, क्योंकि किसानों का कहना है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं है और ऐसे में जिस तरीके से वो धान के अवशेष को खेतों में जलाते हैं तो सरकार का कहना है कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि उन अवशेषों को सरकार खुद खरीदे या फिर जो पराली है उसके अवशेषों का प्रबंध किसान अगर करता है तो उन्हें इसके लिए सरकार जो है प्रति एकड़ के हिसाब से राशि भी यहां पर देगी, लेकिन मशीनें भी यहां पर दी जा रही है किसानों के लिए ताकि जो पराली के अवशेष हैं उन्हें खेतों में ही समतल किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और किसानों का कहना है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और यही वजह है कि जो धान के अवशेष हैं उसे खेतों में ही जला दिया
किया जाता है जिसका धुआं सीधा दिल्ली तक पहुंचता है। आज कहा जा रहा है कि दिल्ली की आबोहवा और भी खराब हो सकती है, तो ऐसे में इसके मद्देनज़र सरकार एक अहम फैसला ले सकती है पराली के संबंध में, सरकारी नौकरी के संबंध में भी सरकार अहम फैसला ले सकती है। तो कुल मिलाकर 3 बजे का इंतजार करना होगा, कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय सरकार लेती है वो देखना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान किया जा चुका है और ऐसे में उसके बाद जो नजरें टिकी रहेगी वो लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव भी टिकी रहेगी, तो सरकार आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए भी कई अहम फैसले आज कर सकती है। जी, जो तरीके से आपने बताया कि 3 बजे यह बैठक होने वाली है जिसमें हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन विशेष जो फोकस होगा साफ तौर पर वो पराली को लेकर होगा, क्योंकि अक्सर ये मुद्दा जो है राजनीति का मुद्दा भी बनता हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं अगर जो विपक्षी नेता है वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दरअसल ये जो पराली किसानों पर आरोप लग रहे हैं जलाने के, ये दरअसल बड़ी वजह नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पहले से ही इतना प्रदूषण है उसका जो है सिर्फ और सिर्फ अपने कामों को छुपाने के लिए, अपने नाकामी को छुपाने के लिए सरकार किसानों पर आरोप लगाती, ये बातें हो रही हैं। मतलब हर बार ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का ही होकर रह जाता है, निष्कर्ष नहीं निकल पाता। बिल्कुल, देखिए हर साल यही जो समय है, आप फरवरी तक का समय ले लीजिए कि जो आबो हवा है लगातार खराब होती जाती है, और कहीं ना कहीं दिवाली को लेकर भी कहा जाता है कि जो किसानों का तर्क है कि दिवाली में जो पटाखे फूटते हैं उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। और इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता है, वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती हुई आपको नजर आएगी उनसे जो प्रदूषण होता है, उसके लिए किसानों का कहना है कि पराली तो पहले भी जलती आ रही है और इसका जो ज़्यादा असर होगा पहले किसानों को होगा, ना कि दिल्ली को। हालांकि ये मामला हमेशा ही राजनीतिक तूल भी पकड़ता है और इस बार भी माना जा रहा है क्योंकि चुनाव है तो राजनीतिक तूल भी पकड़ेगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि सरकार हालांकि ज़रूर कहती है अब जिस तरीके से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, 15 से नवरात्रि की शुरुआत होगी, उसके बाद दशहरा आएगा, फिर दिवाली, फिर गुरु नानक देव जयंती होगी, तो ऐसे में जिस तरीके से भव्य तरीके से इन पर्वों को बनाया जाता है उस दौरान जिस तरीके से पटाखे भी फोड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों का ये तर्क है कि उसके लिए ये जिम्मेदार है, ना कि किसान जिस तरीके से पराली जला रहे हैं उसे पूरी तरीके से किसानों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जो एक राशि तय की जाती है प्रति एकड़ के हिसाब से, जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उस राशि को क्या बढ़ाया जाता है, अगर मशीनें दी जाती है तो उसमें कितनी सब्सिडी दी जाएगी, ये देखना होगा। और इसके अलावा पराली का प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसका उसे गत्ता बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, क्या पराली जो अवशेष खेतों में रहती है क्या उसका उसे वहां से जो प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा और क्या ठोस निष्कर्ष अब इस मुद्दे को लेकर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।